आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सरगर्मियां शुरू हो चुकी है 2024 के चुनाव को लेकर भी। यहां पर अब जो भी दल हैं सत्ता पक्ष के अलावा यानी विपक्ष में, वो सभी लोग अब अपनी रणनीति बनाने में लग गए हैं, संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं, किस तरह आगे बढ़ना है, बीजेपी को किस तरह चुनौती देनी है, इस पर गहन मंथन के साथ अब धरातली संघर्ष की पटकथा तैयार हो रही है। शुरुआत करें अगर तो आम आदमी पार्टी अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है। प्रसपा ने अभी हाल में यरुकुल पुनः जागरण मंच शुरू किया और समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए काम करने के लिए बीड़ा उठाया। तो वहीं अभी हाल में ही सुभाषपा के प्रमुख ओपी राजभर भी द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया। एक महीने कार्यक्रम, 75 जिलों में कार्यक्रम चलेगा, सावधान यात्रा, जो राजधानी लखनऊ से शुरू होकर और बिहार की राजधानी पटना में ख़त्म होगी। इसके अलावा अभी जो चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय ये है कि चुनाव और व्यवस्थाओं को देखते हुए, अपने संगठन की जरूरतों को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी अब धरातली संघर्ष को उतर आई है। और इस संघर्ष की शुरुआत देश बचाओ यात्रा से हुई, उसके बाद 14 सितंबर को भी सरकार के खिलाफ धरने की बात कही गई। हालांकि जो नेता थे, जो विधायक थे, उनको उनके घर पर हाउस अरेस्ट किया गया और ये कार्यक्रम, उनका जो धरना था, नहीं होने दिया गया। उसके बाद जब विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ 19 से लेकर 23 तारीख तक 5 दिनों का, तो 19 सितंबर को ही अखिलेश यादव अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं और विधायकों के साथ गए और कार्यालय से, सपा कार्यालय से उन्होंने विधानसभा तक पैरल मार्च का बात कही। हालांकि उनको बंदरियाबाग चौराहे पर रोक लिया गया और उनने वहीं धरना देना शुरू कर दिया। उस जगह समय रहा, सत्र स्थगित हुआ। उसके बाद लगातार अखिलेश यादव सरकार को सदन में घेरते नजर आए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और कानून व्यवस्थाओं को लेकर। हालांकि वॉकआउट भी रहा और वॉकआउट के दौरान भी उन्होंने कहा कि सरकार जवाब देना नहीं चाहती है। और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के अधिवेशन, 2 दिन का अधिवेशन, आज राज्य स्तरीय, कल राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन होना है और महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ भी लिया गया। नरेश उत्तम पटेल, जो कि पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संगठित करने, एकजुट करने, उनमें उत्साह फूकने और साथ ही साथ आगामी निकाय चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहने वाली है, इस पर भी गहन मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। क्योंकि ये अधिवेशन की जो मूल कल्पना वो है, या मूल व्यवस्था जो है, वो केवल ये है कि आपको अपने लोगों को बुलाना है, एकजुट करना है, आपसी जो बैर है उनको अलग करते हुए एक साथ एक संकल्प लेना है कि आने वाले समय में हमको किस तरह से विपक्ष के खिलाफ आगे, सत्ता पक्ष के खिलाफ आगे बढ़ना है। क्योंकि विपक्ष की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण मिल चुकी है। 17 की बात करें, 17 में महज 47 विधायक रहे, उसके बाद अब 111 विधायक, मजबूत विपक्ष की भूमिका मिली है सपा को और सपा अब उस विपक्ष की भूमिका के साथ न्याय करने के लिए धरातली संघर्ष करना चाहती है, जिसकी शुरुआत हुई यात्राओं से, शुरुआत हुई धरना से, शुरुआत हुई पैदल मार्च से और अब अधिवेशन राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय, और इस अधिवेशन के माध्यम से यहाँ पर व्यवस्थाएँ, संगठन, एकजुटता और रणनीति बनाने की जो एक यहाँ पर संकल्प शुरू हुआ है, वो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ पूरा हो सकता है, अगर जो रणनीति बनाई है वो सफल हुई। फिर कुछ बयान सुनते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम समाजवादियों का ये सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिल करके करें। और अगर पीछे मुड़ करके देखें, हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता, जिन्होंने संविधान बनाया,
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था। समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया। हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और महत्वपूर्ण चर्चा है, पर चर्चा के पहले आपको एक बात और बता दूं कि अधिवेशन के समय जब एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, अधिवेशन के अलग कोई कार्यक्रम था, और जब वो गए तो वहाँ पर किसी निजी चैनल पर उन्होंने बात कर तो ये भी कहा, जब उनसे पूछा गया तो बड़ी नाराजगी से उन्होंने बोले कि जब उनसे पूछा गया अधिवेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जिसका अधिवेशन है उससे पूछे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिवेशन से उनको कोई खास लगाव भी नहीं दिखा, क्योंकि वे अलग हो चुके हैं, घोषणा भी कर चुके हैं, पर जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया कि जिनका अधिवेशन उनसे पूछिए, तो कहीं कहीं ये बताता है कि जो दरार है वो अब बढ़ चुकी है, वो कम नहीं होगी। खैर, महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपसे रूबरू करा दूं। कंचन निवेदी प्रवक्ता भाजपा के रूप में अपने पक्ष रखेंगी, प्रवक्ता सपा के रूप में नितिन भाई अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता प्रसपा के रूप में सत्यजीत अधवारा भाई अपना पक्ष रखेंगे, दयाराम भार्गव भाई सुभाषपा अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पवन भाई अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर अब पहला हमारा सवाल रहेगा वो नितिन सिंह भाई से यारा से रहेगा। नितिन जी, पहले पैदल मार्च, धरना, उसके बाद वॉकआउट के बाद अब अधिवेशन तैयारी करते नजर आ रहे हैं, राज्य स्तरीय अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन, और यहाँ पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और नरेश उत्तम पटेल को यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया। खैर, वो तो एक प्रक्रिया है निर्वाचन की, उनको बनाया गया। क्या मानते हैं कि आने वाले समय में क्या और बेहतर रणनीति रहने वाली है? कमर कस चुके हैं, बीजेपी को पूरी चुनौती दी, तैयारी कर चुके हैं बहुत समय बाद धराती संघर्ष के साथ, अब एक संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद चल रही है, किस रूप में देखते हैं इसको? गौरव जी, निश्चित रूप से जी, आज हमारा प्रांतीय सम्मेलन हुआ, कल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। प्रांतीय सम्मेलन में जिस तरीके की एक परंपरा है, आज राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव रखे गए जी, उस प्रस्ताव के समर्थन में तमाम सारे प्रतिनिधियों साथियों ने अपने अपने वक्तव्य रखे जी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जी मजबूत विपक्ष की भूमिका में है और अपने कर्तव्य का अक्षरशा पालन कर रही है जी। जैसा कि परंपरा है कि कोई भी सरकार जी गठन होता है, गठन के बाद सरकार को काम करने के लिए मौके दिए जाते जी, और इसके बाद में विपक्ष उसकी समीक्षा करता है कि सरकार क्या क्या जन कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है, कहाँ जन कल्याण की उपेक्षा हो रही है, और उसके बाद विपक्ष का काम ही है, जैसा कि तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो सरकार का पहलू विपक्ष भी होता है। सरकार का काम है जन कल्याण के काम करना, विपक्ष का काम है कि जन कल्याण कार्यक्रमों की कहीं अगर अनदेखी हो रही है तो उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराना। कोई सरकार का जन्मजात व्यक्तिगत विरोध नहीं होता है, और उसकी परंपरा को समाजवादी लोग निभाते रहे। जब देखा कि दो कार्यकाल हो गए माननीय योगी जी के जी, लेकिन आज भी उनका जो ध्यान है वो वही पुरानी सामंतवादी व्यवस्था की तरफ जा रहा है। अच्छा। वो जन कल्याण की तरफ कतई ध्यान नहीं दे पा रहे। अच्छा। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने कमर कसा। आज जो मैं कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता हूं, सिर्फ इतना कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व ये घोषणा पत्र लॉन्च किया था, सिर्फ अपने घोषणा पत्र के में किए गए अपने संकल्प पत्र में अपने वायदों को याद कर लें और वही पूरा कर दें, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी जी। लेकिन जब चुनाव में जाते हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं जनता से, चुनाव होते हैं उसके विपरीत आचरण होता है। इसी के कारण समाजवादी पार्टी जो अपनी जगह विपक्ष की भूमिका निभा रही, उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता की आवाज को बुलंद करना है और उसके लिए संघर्ष करना है। उसके लिए जो परंपरा होती है, पहले हम ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन, तो अभी प्रदर्शन तो बहुत बात की, अभी तो हम लोग धरना और सरकार का जो ध्यान आकर्षण करने का लोकतांत्रिक तरीका होता है उसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी ने किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कि नेता विरोधी दल है, जो सदन में बात कही जा सकती है उसको सदन में कहने का काम किया, जो सड़कों में बताने की जरूरत है उसको सड़क में भी मार्च पास्ट के जरिए प्रयास किया गया, जो 19 तारीख का कार्यक्रम था
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सदन में जाने का वो सिर्फ पैदल मार्च अपने मुख्यालय से विधानसभा तक का था अपने विधायक साथियों के साथ, लेकिन सरकार इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकी और जिस स्तर से बैरिकेडिंग की गई, जिस स्तर से प्रतिरोध किया गया और सदन में नहीं जाने दिया गया, विधायक अपना आई कार्ड दिखाते रहे, भाई मैं अकेला हूँ, विधायक हूँ, सदन में जाना है, अपनी बात को रखना है, लेकिन सदन चलिए। उसके बाद दूसरे दिन से सदन में संघर्ष हुआ और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संघर्ष में यह ऐलान किया कि हमको विधानसभा आने से तो आप रोक सकते हो, लेकिन विधानसभा से आप वापस मुझे घर जाने से तो नहीं रोक सकते हो। हम पैदल यात्रा के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षण करेंगे। सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए हमने पैदल मार्च का कार्यक्रम किया। उसी के बाद आज जो संगठन, क्योंकि ये लोकतांत्रिक परंपरा में पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होता है और उसमें चुनाव की एक प्रक्रिया है। हमारे पार्टी का संविधान है कि समाजवादी पार्टी के संविधान के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में प्रदेश का सम्मेलन होगा, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होंगे, राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होंगे। आज उस परंपरा के तहत हमारा 9वां राज्य सम्मेलन था, 9वें राज्य सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जो कि राष्ट्र प्रदेश की कार्यकारिणी में कोई नामांकन नहीं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकार दिया गया, उनकी अनुमति से कुछ समय में प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की जाएगी, नॉमिनेटेड कर दी जाएगी। और इसके तुरंत बाद हमारा कल राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद हम लोग जिले के संगठन को मजबूत करेंगे, फेडरल संगठनों को मजबूत करेंगे और उसके बाद जो आंदोलन की बड़ी रूपरेखा होती है उसके तहत आंदोलन किया जाएगा, 24 की तैयारी आंदोलन होगा निश्चित रूप से। जनता के हित के लिए समाजवादी पार्टी जनता के हकूकों को, जनता के वसूल को, जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा कटिबद्ध है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना समाजवादियों का कभी लक्ष्य नहीं रहा। पहला लक्ष्य जनता को न्याय मिले, जनता का शोषण, जनता का उत्पीड़न हर कीमत पे बंद होना चाहिए। जो सामाजिक समरसता का भाव समाज में कायम करने के उद्देश्य से संविधान की रचना हुई, देश की आजादी हुई, उसको स्थापित करने के लिए जो भी कुर्बानी करनी पड़ती है तब भी समाजवादी पार्टी के लोग पीछे नहीं। ठीक है, कंचन द्विवेदी भाजपा से। कंचन जी, नितिन भाई कह रहे हैं कि कमर कस चुके हैं, अब जनता का जो उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अधिवेशन हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा से पैदल मार्च की बात करें, वॉकआउट की बात करें या फिर अब अधिवेशनों की बात करें, रणनीति बन रही है और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने के लिए तैयारी हो रही है। क्या मानती, किस रूप में चुनौती देखती है जी? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है थोड़ा सा आवाज को करें, पहले उसे सही करवा लीजिए जी, आवाज सही की जाए। मुझे लगता है कि जब जिस समय पर जो चीजें होनी चाहिए पर वो नहीं होती है जी। समय निकलने के बाद अगर कोई प्रयास होता है या कोई कार्य होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि अखिलेश जी इसको बहुत पीसीआर, इसको थोड़ा आवाज को सही किया जाए। जी बोलिए बोलिए। अखिलेश जी की जो बातें हैं, अखिलेश जी के जो कार्य हैं, जो हम लोग देखते चले आ रहे हैं जब से वो अध्यक्ष बने हुए हैं, बने क्या हुए हैं, अध्यक्षता को भी उन्होंने छीना है। हमारी जो अखिलेश जी की आदरणीय नेता जी की जो दूसरी पत्नी थी उनसे वादा करने के बाद अखिलेश जी ने उनसे बोला कि 6 महीने के बाद वो अध्यक्ष पद दोबारा पिताजी को दे देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने पिताजी को नहीं दिया और उनकी माँ का निधन भी हो गया। खैर मुझे याद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात याद करने जैसी इसलिए है क्योंकि अखिलेश जी का ये जो वचनबद्धता है और ये जो बोलने का लहजा है या फिर वादा ना निभाने का, वादा खिलाफी का जो एक चैप्टर है वो पब्लिक को इस बात से पता चलता है, जो जनता को पता चलता है कि वो वादा करके मुकरने वाले हैं। जैसे कि मैंने अगले सभा के प्रवक्ता को सुना कि वो बहुत प्रकार से वादे करते हैं तो वादे ही ना करते हैं। अपनी माँ से जब वादा जो नहीं निभा सकता व्यक्ति, वो जनता से क्या निभाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अभी आप संकल्प पत्र को याद कर रहे थे तो मुझे याद है कि जो हमारे संकल्प पत्र में लिखा था कि अक्षरशः वो सारी चीजें सही हो रही है और उनको हम लोग निभा रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं है कि अपनी माँ से वादा पूरा नहीं कर पा रहे उनके अध्यक्ष, तो जनता से वादा कैसे पूरा कर सकते हैं? दूसरी बात, और एक बात जो मैं कह रही हूँ, कंचन जी भाषा का संयम रहे, अभी तक पिताजी थे अब बाप तक आ रही है, भाषा का संयम बनाए रखिएगा। भाई उनका कहना है थोड़ी मर्यादा। एक ऑब्जेक्शन मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, भाषा का संयम रखिएगा। अभी आप पिताजी कह रहे थे बाप तक आ गई हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाषा का संयम भाई, माँ से संयम किया जाए। ठीक है, बोलिए बोलिए कंचन जी, बोलिए। अभी आपने कहा अपने बाप, अरे तो अभी आपने बोला है इसलिए भाषा का संयम रखिएगा, बाकी मैं बोलिए बोले। उन्होंने कहा कि आप माँ बाप बोल रही है, माँ बाप माता, मुझे आप नहीं सिखा रहे हैं।
अरे आप ही समझ लीजिए कि आपको बोलना क्या है, कहाँ से बोलना, आप खुद से खुद नहीं जानते जिन चीजों को, उन चीजों को आप मुझे बता रहे हैं। जैसे आपके अध्यक्ष नहीं जानते, वैसे आप भी नहीं जानते। आपसे बौद्धिक सीखने की जरूरत नहीं है, आपसे बौद्धिक सीखने की जरूरत नहीं है। जी बोले 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 कंचन जी बोलिए बोले बोले बात। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिन्हें खुद नहीं पता है कि कहाँ पर कौन सी बात क्या बोलना चाहिए, वो सिखाने में तुले हुए हैं। जैसे कि अखिलेश जी को नहीं पता, वैसे ही हमें लगता है सपा के प्रवक्ताओं को भी नहीं पता कि कहाँ पर क्या चीज बोली जाती है। देश का सारा ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के पास है। मुझे नहीं पता कि आप किस तरीके से बोले, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आइए आज शास्त्रार्थ कर लेते हैं कंचन जी, आइए शास्त्रार्थ कर लेते हैं आज, खुली चुनौती है आपको। जी कितना बोलते हैं, इनको आता रहता कुछ नहीं है। अरे आप कैसे बोल रही हैं? ठीक है, बाद लेने जी बोले। सत्यजी भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? सत्यजी जी बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर अधिवेशन हुआ और अधिवेशन के माध्यम से एकजुटता और उत्साह को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है और जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप विपक्ष की भूमिका में है तो संगठन को मजबूत करना पहली कवायद होती है चुनाव की तैयारियों को लेकर। पर डेढ़ साल चुनाव को लेकर बचा है 2024 के चुनाव को लेकर, तो यहाँ पर निश्चित तैयारी होनी चाहिए। पर जब इन तैयारियों के बीच कहीं प्रसपा के जो प्रमुख है उनसे बात की गई, एक निजी चैनल में उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि जिनका अधिवेशन उनसे पूछें। भाई अधिवेशन हो रहा है तो पहले भी कभी भी आप भी सपा में रहे हैं और लगाव भी रहा है पहले भी, यानी अगर मूलभूत आधारों में आप एक हैं तो अब इतना नाराज़गी क्यों कि जिनका अधिवेशन उनसे पूछें? भाई अगर अधिवेशन हो रहा है कोई बता ही देते, क्या नाराज़गी है भाई? देखिए गौरव जी, जी समाजवादी पार्टी का अधिवेशन है, हाँ उनका दल है और दल में देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अपने राष्ट्रीय पार्टी या जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उनको अपना सम्मेलन करने का अधिकार है। मेरी अलग पार्टी, अच्छा हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से आपके इस टेलीविजन चैनल पर डिबेट कर रहे हैं जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हैं जी, हमारी पार्टी अलग है उनकी पार्टी अलग है, अच्छा तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव यही तो कहेंगे कि उनसे पूछा जाए। पर नाराजगी को जरा बता रही थी भाई, जो नाराजगी को अलग बता रही थी, नाराजगी बड़ी नाराजगी से नाराज हुए थे, बड़े गुस्से में बोले थे मीडिया बंधुओं से। देखिए नाराजगी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि समाजवादी विचारधारा को क्या हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। अच्छा देखिए अगर मूल रूप से सोचा जाए तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो शख्सियत है जिन्होंने समाजवाद के बीज को बीजारोपण करने का काम किया है और काम ही नहीं किया, आज जो बटवृक्ष बना, चार चार बार सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में हुकूमत में आई,
पल्लवित पुष्पित करने का काम भी आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने किया, मान्य मुलायम सिंह यादव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने किया। आज ये विराट वट वृक्ष बंद करके जो संख्या बल आज दिखाई पड़ रहा है, जो भी दिखाई पड़ रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि जो वट वृक्ष इन्होंने बनाया था उसको अखिलेश यादव जी संभाल नहीं पाए। अच्छा, अन्यथा पिछले चुनाव में 2022 में हम सरकार में होते। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आती, ये तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने कह दिया। सतीश भाई 17 से अच्छा प्रदर्शन रहा, यहाँ पर 17-47 विधायक थे, 111 विधायक है, तो या तो बेहतर ही हुआ है। देखिए कई कारण है उसके, उस पर अगर हम जाएंगे तो लंबा डिबेट हो जाएगा। अच्छा, जरूर 111 हुए, 47 जरूर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी वोट परसेंट 40% से ऊपर चला गया। अच्छा, तीन बार जब हमारी सरकार, जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव समाजवादी सरकार में थे तो कभी भी, पहले तो हम दो बार 25% पे बनाए हैं, 23 और 25% जी, पे जी। बाद में हमने 29% पे बनाया था जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव सरकार में थे, तो जी। पहली बार हम 32% पे पहुंचे हैं जब आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का ठीक से प्रयोग नहीं किया गया। तो अगर आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का ठीक से प्रयोग किया गया होता तो जो 40% भारतीय जनता पार्टी पाई है वो शायद हम पाते। अच्छा, और 32% शायद भारतीय जनता पार्टी पाती। अच्छा, अगर इनको स्टार प्रचारक के तौर पे पूरे प्रदेश में घुमाया गया होता, जगह जगह उपयोग किया गया होता, इनके जो अपने संबंध और अपने राजनीतिक कद के लोग थे उनका प्रयोग करके और प्रसपा का भी सही से उपयोग किया गया होता जी, तो हमें लगता है कि आज सत्ता पक्ष में होते और आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के हुकूमत के शीर्षस्थ होते, मुख्यमंत्री होते जो है। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा है गौरव जी, जी समाजवादियों का दुर्भाग्य रहा है। केवल अखिलेश यादव जी की बात तो नहीं कर रहा हूं, जिस विचारधारा को हम आगे बढ़ाना चाहते थे, जिस विचारधारा को हम हिंदुस्तान के शीर्षस्थ स्थान पर ले जाना चाहते थे, जिससे पूरे देश का, पूरे प्रदेश का भला होना था जी, उस विचारधारा को कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया, कहीं ना कहीं रोक लग गई। पर तो किस बात का है जी? पीड़ा देखिए, अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी, अगर ये आप कहते हैं कि आज उनका वो चल रहा है उसकी वजह से पीड़ा है शिवपाल सिंह यादव को, तो पीड़ा इस बात तंज क्यों करते हैं? तंज भी किया, बयान भी दिया है 2014-17-19 के बाद, 22 में, और आज के बाद नया अभियान नहीं, अब मार्ग अवसान की तरफ दिखाई दे रहा, ट्वीट किए हैं, इससे ट्वीट क्यों कर रहे हैं भाई? अगर कोई लेना देना नहीं है तो देखिए गौरव जी, यहाँ मैं फिर अपनी बात स्पष्ट कर दूं, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है इस बात जी कि 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे। तो आत्ममंथन, देखिए आज इनका ठीक है सम्मेलन, ट्वीट पढ़ रहे हैं हम, तो ट्वीट बता रहे हैं आपको, ठीक है सम्मेलन हो रहा है, अभी ट्वीट पढ़ रहा हूँ मैं, तो पहले ही आत्मसमर्पण की जरूरत थी जी, हम समझ सकते हैं बात को। देखिए जब विचारधारा कुंठित होती है और विचारधारा को बल नहीं मिलता है जी, तो मन में पीड़ा होती है। अच्छा, दिलों में दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा नितिन भाई, पीड़ा है, हम अपनी व्यक्तिगत पीड़ा नहीं है। अच्छा, ये पीड़ा समाजवादी विचारधारा जब कुंठित होती है, कहीं विस्तार नहीं पाती है जी, उसकी पीड़ा है गौरव जी, उस पीड़ा की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई। धर्म जी आपको मेरी आवाज आ रही है? धर्म भार्गव जी आपको मेरी आवाज आ रही है? करवाइए जरा प्लीज जी। हाँ, स्काइप करवाइए प्लीज जी, स्काइप कराया जाए धर्म जी। चलिए ठीक है ठीक है, धर्म जी आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। धर्म भाई, यहाँ पर अधिवेशन हुआ और अब सपा को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है, चुनौती बनने जा रहे हैं बीजेपी के लिए 24 के चुनाव में और निकाय के चुनाव में। आपकी भी सावधान यात्रा शुरू हो चुकी है, अलग हो चुके हैं समाजवादी पार्टी गठबंधन से, किस रूप में देखते हैं इस अधिवेशन को और क्या चुनौती बनने वाले हैं समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में आपके लिए भी और बीजेपी के लिए भी? दयाराम जी आपको मेरी आवाज आई है? आवाज आ रही है, कटी कटी आवाज आ रही है। पूर्ते गौरव भाई, आवाज आपकी मुझे क्लियर नहीं है। जी दयाराम जी की ऑडियो भैया दुरुस्त कराई जाए तो पवन भाई को लेता हूँ। पवन जी, आपके सामने पूरा मूल्यांकन है और सब देख रहे हैं, सब जानकारी है किस तरह से लगातार संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही, चुनौती बनना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बीजेपी को कड़ी चुनौती दें, किस रूप में देखते हैं इस अधिवेशनों को और क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है आगामी निकाय चुनाव में, 24 चुनाव में इन तैयारियों को लेकर? जी संगठन है, अपनी अपनी पार्टियां हैं जी, मेहनत करना चाहिए संगठन के लिए जी, संगठन के लिए लोग मेहनत भी कर रहे हैं। दो दिन का अधिवेशन है जी अखिलेश यादव जी की पार्टी का,
जी। लेकिन आज जो चेहरे पे हमने उनकी उदासी देखी अखिलेश यादव जी की, जी। एक सच्चाई है कहीं ना कहीं कुछ होगा, अच्छा। जो भी होगा उनके मन के अंदर होगा, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में होगा, वो तो प्रवक्ता महोदय ही बता सकते हैं। जी। उनके मन के अंदर जो मायूसी चेहरे पे आज दिखी, अच्छा। उस मायूसी तो कुछ ना कुछ कह रही है, अच्छा। अब संगठन किस स्तर पे मजबूत होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में इतने सारे कार्यकर्ता, इतने सारे इनके पदाधिकारी, लोगों की निगाहें लगी हुई थी, हमारी कई लोगों से वार्ता हुई थी, कई विधायकों से हमारी वार्ता हुई, कई संगठन में पदाधिकारियों से बात हुई थी, लोगों की इच्छाएं थी कि 2024 फतह करने के लिए अगर हम अपना दमखम दिखाना चाहते हैं तो 2024 के लिए हमको नया प्रदेश अध्यक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, तभी एक अच्छा सा जोश बनता। लेकिन आज कार्यक्रम के बाद भी हमने कई लोगों से संपर्क किया, बात जी, किया जी, तो वो सब दिख नहीं रहा है, अच्छा। मतलब इनका कार्यक्रम जो पहला दिन था वो उस स्तर से नहीं हो पाया जिस स्तर से इनकी प्लानिंग थी। अब कुछ नहीं भैया, अब गौरव जी आप समझिएगा कि हम तो चाहते हैं भाई संगठन है, विपक्ष है, मजबूती से हो, मेहनत करें, जीतें, सभी लोग जीतने के लिए आए, जितनी पार्टियां हैं। लेकिन अभी अगर हम शिवपाल जी की पार्टी की बात करें, सपा के प्रवक्ता महोदय हमारे कह रहे थे मुझसे कोई मतलब नहीं, कोई पार्टी नहीं है, वो अलग परेशान है। शिवपाल जी ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, वो ट्वीट करके बता रहे हैं खत्म हो गई 2024-17-22 सब कुछ नहीं है, वीरान है, कुछ नहीं सपा, मतलब समझिएगा। वहीं अगर हम ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी की बात करें, वो अलग जो है सावधान यात्रा गढ़ में है जी, सावधान यात्रा निकाल रहे हैं जी, कह रहे हैं जो गढ़ है उसको गड्ढा बना देंगे, खत्म कर देंगे हम, जबकि इन दोनों में इतनी अच्छी थी भाई, अभी कितना दिन हो गया, 6 महीने हुए चुनाव को, आप ही का, जब आप गठबंधन नहीं चला पा रहे जी, जब गठबंधन नहीं चला पा रहे वो आपको तो याद ही होगा, आपकी भविष्यवाणी थी, मैं आपकी भविष्यवाणी याद है, भविष्यवाणी तो नहीं कह सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस आपने कहा था आपके बाद नहीं चलेगा, टूट गया, वो हमने बताया हमारे डिबेट पर थी जी। अब गौरव जी एक जो नया समीकरण बन रहा है जी, एक महागठबंधन की, ठीक है, अब उस महागठबंधन में भी आज हम रीड कर रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे जी, जो उसपे हमने देखा जी कि जो महागठबंधन के लिए आवश्यकता है, मूलभूत चीजें जो आवश्यकता है, मूलभूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वो नहीं पूरी हो रही है जी। अभी मुझे जहां तक लग रहा है महागठबंधन भी दो पार्ट में होगा, अच्छा, कांग्रेस अलग रहेगी, बाकी पार्टियां चाहे समाजवादी पार्टी हो, जो भी आ जाए साथ में, नीतीश बाबू जी आ जाए, अलग अलग लोग आ जाए, ये लोग अलग आएंगे जी, समझिएगा, क्योंकि इन लोगों की मकसद एक तरफ है नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाने के लिए, अच्छा, कांग्रेस के लिए राहुल गांधी जी मेहनत भी कर रहे हैं, साउथ की तरफ बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, सबको लड़ना चाहिए, सबको अधिकार है, सब जीते हैं, लेकिन धरातल पे मेहनत करना पड़ेगा। आप प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जिस छोटे से पद, छोटा बड़ा पद तो हम नहीं कह सकते हैं, राजनीतिक लोग तो हम लोग है नहीं, लेकिन जिस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए घमासान समाजवादी पार्टी ने किया था, वही शिवपाल यादव जी है, कोई अलग नहीं है, सब भूल भाल करके भी महागठबंधन, ये गठबंधन किया चुनाव से पहले, एक सीट बेचारे को दिया, बेचारा कहेंगे हम, ठीक है, क्योंकि जो लोग छोटे दल होकर के आए, 4 सीटें 5 सीटें से चुनाव विधायक बन गए, उनके घर में जो एक सीट जो दिया वो व्यक्ति निर्दल से जीतता, शिवपाल सिंह जी बिल्कुल, अगर आप उस क्षेत्र की देखिए उनका भी कद, तो अगर उस कद के हिसाब से आप नहीं वैल्यू दिए, आप कहां लड़ेंगे, आप 24 में कहां ठहर रहे हैं, आप उसके लिए मैदान में आना होगा, धरना प्रदर्शन, महंगाई, आप जिस मुद्दों को लेकर के आप उठा रहे हैं उसको करिए, आप भाजपा से सीखिए, भाजपा के संगठन के लोगों से भी सीखिए, भाजपा के राजनेताओं से सीखिए, काम करने की कलाएं सीखिए, आप गांव गांव में आप जाइए, एक गांव में एक परिवार में कम से कम अगर दो लोग काम करने वाले भाजपा के लिए ना मिल जाए तो आप कहिएगा, सपा के लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए सर, आप लोग देखे होंगे, माननीय प्रवक्ता जी बैठे हैं, देखे होंगे लोग आए नहीं है सर, लोग आए नहीं, अगर आएंगे नहीं तो कहां से आप सड़क पे आएंगे ना, तब तो होगा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन हम आपको निकालेंगे जिससे किसी भी सरकार को इससे दूर होना चाहिए। आज मुझे जानकारी मिली कि जो धरना प्रदर्शन का यहाँ कार्यक्रम था उसके लिए इनके समाजवादी पार्टी के जो माननीय विधायक गढ़ थे उनके घर पे उनके नोटिस आया, एनएसए का नोटिस आया कि आप घर से नहीं निकल सकते हैं, अच्छा,
भय का माहौल जो बनाया गया ये नहीं होना चाहिए। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, देश हित के लिए कोई भी सरकार आए। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल समाजवादी पार्टी आए, परसों बसपा आए, हम सभी की बात कर रहे हैं, सुभाषपा आए, सब लोग आए। जनता मूर्ख नहीं, जनता को छलावा नहीं दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात देखेंगे, अभी मुश्किल से एक घंटा पूर्व ही आपके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र जो यूनिट है उन्होंने 3 महीने की ये जो फ्री राशन सुविधा है फिर बढ़ा दिया। आप समझिएगा सर, ये काम कर रहे हैं ये रोजगार के लिए जो भी कर रहे हैं उस पे आप आइए, आप मेहनत करिए, मेहनत करके आप कुछ करेंगे, आप कमियां इनकी निकालिए, कमियां है उसके लिए आप नहीं आ रहे हैं। रोजगार भारतीय जनता पार्टी मुहैया नहीं करा पा रही, ध्यान दीजिएगा सर, इसके लिए अखिलेश यादव सड़क पे नहीं आने वाले हैं, ये ट्विटर गेम करते हैं। अच्छा, आप उसी पुराने अपने नेतृत्व पुराने लोग रखिए, लेकिन जो मेहनती लोग हैं, जोशीले लोग, उनको लेके आइए आप। ठीक, प्रवीण भाई एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि नरेशोत्तम पटेल को यहाँ दोबारा प्रतिनिधि बनाया गया किस रूप में देखते हैं भाई, कुछ करिश्मा कुछ हुआ दोबारा इस बार, क्योंकि बड़ी चर्चाएं हो रही थी पर वहाँ कोई नामांकन नहीं हुआ और नामांकन, ये बताइए जब पूरी समाजवादी पार्टी में बता रहे हैं भाई साहब, प्रवक्ता महोदय बता रहे हैं कोई नामांकन नहीं किया, ऐसी कौन सी पार्टी सर, यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी से किए, चार चार लोग, छह छह लोग एक एक पद के लिए नामांकन करते हैं, भले कोई भी हो जाए जी। आपके यहाँ कम से कम लड़ाई लड़ने वाले होने चाहिए जी। आप अपने अहमियत दिखाई कि हम भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, कोई नहीं है, कहाँ चल पाएगा भैया राजनीति है। ठीक है, मुझे नहीं दिख पा रहा है कि महागठबंधन और गठबंधन 2024 में भाजपा का कुछ कर पाएंगे। ठीक है जी, दयानंद जी आपको मेरी आवाज आ गई है, तो क्या मानते हैं अधिवेशन हो रहा है, कहाँ तक चुनौती बनने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपकी सावधानी यात्रा चल रही है, इनके अधिवेशन हो रहा है, किस रूप में देखते हैं भाई इसको? जी गौरव भाई देखिए, मैं बड़ा लेट जुड़ा हूँ क्योंकि आज तो नेटवर्क की इशू है, कोई बात नहीं, चलिए समझ बोलिए, बात करिए बोलिए। आज समाजवादी पार्टी का जो अधिवेशन है वो अधिवेशन नहीं है, वो एक प्रकार का इनका फिर ड्रामा शुरू हो गया है। आप ड्रामा क्या बोलते हैं भाई, आपकी यात्रा भी तो हो रही है, थोड़ा फिर जी बोलिए, फिर मैं पीछे ले जाना चाहूंगा, हाँ, ले जाइए पीछे ले जाइए। ये जो समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तो सारा काम कर रही है, अच्छा, और सीधे सीधे ना करके घुमा करके करती है। अच्छा, एनएलसी के चुनाव में जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उतारा गया उसकी उम्र 28 साल, अच्छा, और जबकि एनएलसी के चुनाव हुए 30 साल। अब आप देखिए जब 28 साल की उम्र वाले को इनके नौ रत्न के लोगों ने ही साइन किया था, अच्छा, और मजे की जानकारी है कि उनमें कुछ लोग पहले भी एमएलसी रहे हैं, कुछ मंत्री भी रहे हैं, अच्छा, क्या उनको ये जानकारी नहीं था उम्र कितनी होनी चाहिए, भूल गए होंगे। तो ये समाजवादी पार्टी के नौरत्नों ने जो है समाजवादी को समाप्तवादी पार्टी, अरे मुझे समझ में ये नहीं आता जयराम भाई, सुन लीजिए कि आप बोलते हैं कि ये उनकी बी टीम है, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और सपा वाले बोलते हैं कि आप उनकी बी टीम है, आप भाजपा के लिए काम कर रही हैं, तो कौन किसके लिए काम कर रहा भाई? मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अरे भाई बताइए हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम तो जब इनके साथ थे तो ये स्वीकार नहीं किए, हम अलग हुए तो ये खेत लगा रहे हैं। अच्छा, हमने तो बार बार इस चीज को कहा है गौरव भाई, आज की डेट में समाजवादी पार्टी जो रुदन कर रही है बैठ करके कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, फिर वही दोहराता हूँ, अच्छा, पिछले 4 बार की सरकार में इनको याद तो आई नहीं। आज जो जब ये अपने चाचा को नहीं बना सकते, आजम खान की भूमिका देखिए कहाँ है, वो रहेंगे 2024 में या नहीं रहेंगे इनके साथ ये जाने, अच्छा, क्योंकि भूमिका देखिए शिवपाल चाचा जी लगे हुए हैं आजम खान के लिए जी। तो इनके जितने भी इन्होंने आज तक समाजवादी पार्टी ने जो भी गठबंधन किए चुनाव के बाद तोड़ने का काम किया, अच्छा, चाहे वो इन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया हो, चाहे बीएसपी से गठबंधन किया हो, चाहे हमसे गठबंधन किया हो, इनकी मूल मुद्दा मूल भूमिका गठबंधन के साथी को इस्तेमाल करके चुनाव बाद उसको क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बताइए कम शब्दों में, क्या चुनाव क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए हमने आपको बताया ना, हमने सावधान यात्रा हमारी पार्टी ने निकाला उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, 75 जिलों से हो करके 27 अक्टूबर को, वो हमें पता है, वो पता है जो हमारी जी पता है, इनके अधिवेशन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है बताइए आप, तो मेन मुद्दा यही है। नहीं नहीं आप बताइए, इनको वही सब कुछ करना है, हाँ, जो पुरानी है उसी को लाके रखना, उसमें क्या बदलाव है, बदलाव क्या करना चाह रहे, आप बताइए। समाजवादी पार्टी ने जिनको टिकट देके चुनाव लड़ाया, जो लोग अपना बूथ नहीं जीतवा सकते, इनके लोग वही लोग पार्टी का नीले धुन का आम दिवाते हैं, उन्हीं को हम नौरत्न बोलते हैं।
अच्छा, अगर उनको दे दिया जाए कि जाकर के अपना बूथ जिता लीजिए, वो अपना बूथ लेके जा सकते गारंटी के साथ करे। अच्छा, इसलिए गौरव भाई किया जा कहा जा रहा है कि ये लोग धरती पर काम करते हैं। बड़ा ड्रामा ड्रामा क्यों बोलते भाई, ड्रामा नौटंकी शब्दों का उपयोग क्यों करते भाई? नहीं नहीं गौरव भाई सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए, बीच में मत रोकिए। बोले 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 कहना चाह रहे बोले। अभी चार दिन का उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा का था, हाँ, सत्र था, हाँ, समाजवादी पार्टी के मुखिया को, उनके 111 जो विधायक हैं, हाँ, उनको केवल उत्तर प्रदेश की जो है, हाँ, जनता की आवाज उठानी चाहिए। आप जनता की आवाज उठाने के सदन भाई, कोई भी जो क्रियाकलाप बनेगा वो सदन में बनेगा, सड़क में थोड़ी बनेगा। अच्छा, सड़क से सदन का रास्ता आपको मिल गया 111। आप सड़क से आके सदन पे आए, आप सदन में अपनी जो आपकी समस्या उसको उठाइए ना, लेकिन उसको उठाने में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी प्रकाश जी क्या कर रहे थे वहाँ पे? इनका जो दो दिन का ओम प्रकाश जी सदन में क्या कर रहे थे, और जो आवाज उठाई जा रही थी वो किसकी थी? ये राजनीतिक मस्करापन बंद कर दीजिए सुभाषपा के लोगों, ये आप लोग राजनीतिक मस्करे हो गए, आपको कोई सीरियस नहीं लेता है, आपको कोई, ये सावधान यात्रा किसको सावधान कर रहे हो, किसके खिलाफ है सावधान यात्रा? दुनिया देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, और इस बार मैं आपको चैलेंज करता हूं कि किसी से गठबंधन मत करना, अकेले चुनाव लड़ लेना, खुद जीत करके आ जाए ओम प्रकाश राजभर, उसी दिन से राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। ये मेरी आज की टिप्पणी खुला चुनौती है कि आज ये सावधान यात्रा करने वाले लोगों सावधान हो जाओ, ये किसको गुमराह कर रहे हो? तो कहना चाहता हूँ ओम प्रकाश राजभर को चैनल के माध्यम से, प्रेस टीवी के माध्यम से, बिना चुनाव गठबंधन के आदरणीय अखिलेश यादव जी की पैतरणी के बगैर आप चुनाव जीत करके आ जाते? सिर्फ ये सावधान यात्रा इसलिए है कि उनके पुत्र को एमएलसी नहीं बनाया गया, ये पुत्र में अंधे लोग ये सावधान करने निकले, ये बगुला भगत लोग सावधान क्या कर रहे थे सदन में? सदन में किसकी आवाज उठाई थी आपने? ये समाजवादी पार्टी ही है और आदरणीय अखिलेश यादव ही है जो नेता विरोधी दल की हैसियत से हर मुद्दे पर आवाज उठाई है, और माननीय मुख्यमंत्री रहे हो, माननीय उप मुख्यमंत्री रहे हो, सबको सबकी बोलती बंद करने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। ना उनके काम का मुकाबला है, ना उनके संघर्ष का मुकाबला है, और क्या राजभर क्या संघर्ष करेंगे? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मस्करे हो, आपको कोई सीरियस नहीं लेता है, आप दूसरे लोगों की टिप्पणी का कोई असर नहीं पड़ता है। देख रहा हूँ सावधान यात्रा में 100-100 लोग भी नहीं हो रहे हैं। पूछना चाहता हूँ, चार बार की सरकार में इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता का, इन्होंने बिजली माफ क्यों नहीं किया, इनसे पूछ लीजिए, इन्होंने गरीबी क्यों नहीं दूर किया, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, पहले सरकार में आदरणीय नेताजी ने किसानों का 10,000 रुपए तक का ऋण माफ करने का काम किया था। पहले सरकार में चुट्टी समाप्त की थी जो किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। पहले सरकार में 0 से लेकर के इंटर तक की पढ़ाई का शुल्क माफ करने का काम किया था। पहले सरकार में 1 रुपए का पर्चा करने का काम किया था किसानों को। दवाई पढ़ाई रोटी कपड़ा जो डॉक्टर लोहिया का नारा था, रोटी कपड़ा सस्ता हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, इस सिद्धांत पर समाजवादी सरकार हमेशा काम किया। ठीक है, ठीक है, राजनीतिक मस्करे लोग नहीं रहे, संघर्षशील लोग रहे, दूसरों की ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया। और मेहमान भी ले लेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर सदन पर आए थे, दूसरी बार आदरणीय। अच्छा, अच्छा, हैसियत बता दूंगा जी, अकेले चुनाव लड़ लो, हैसियत बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, जवाब लेता हूँ, जवाब लेता हूँ मित्र भाई। अरे तहरम भाई, अभी आपका जवाब लेता हूँ, आपका जवाब लेता हूँ अभी आपके बाबा भाई। वो कह रहे हैं अगर अकेले चुनाव लड़के बता दी तब मैं जानूंगा कि मैं संन्यास ले लूंगा। बड़ा बयान दिया है फिलहाल कंचन देवरी जी पूछते हैं। कंचन जी, आपने देखा किस तरह का यहाँ पर घटनाक्रम है, किस तरह चर्चा हो रही है, और सपा प्रवक्ता कहना है कि अब जब फेरबदल हो रहा है, मेहनत हो रही है, तो अब सबको दर्द हो रहा है, और सुभाषपा वालों को मस्खरा बोल रहे हैं, कह रहे आपकी बैसाखी सहारे आए थे सत्ता में, और किस रूप में देखते भाई? जिस तरीके से अभी सुन रही थी, और ये जो भाजपा डिबेट में चल रहा था, वही मसला है, करना कुछ नहीं है। अच्छा, और बोलना है बस, मुख से जो ही जगह से बन जाए वो करते रहना है। एक शायरी मुझे सुन करके याद आ रही है, कुछ लाइनें याद आ रही हैं, यहाँ पर सुन लेंगे मत सोचो। अच्छा, यहाँ पर होगी
मुकम्मल से जांच मत सोचो, हुक्मरानों पर आएगी आज मत सोचो, मुकाम पाने को जो आए तो बके जाओ, जो अभी चल रही थी ना ये सब, मुकाम पाने को जो आए तो बके जाओ, राजनीति में बहुत झूठ सांच मत देखो। अच्छा। कोई किसी के लिए झूठ बोल रहा है, कोई किसी के लिए झूठ बोल रहा है, कोई अधिवेशन कर रहा है तो कोई यही भारतीय जनता पार्टी करती है कंचन जी। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है भ्रष्टाचार, दुष्टाचार, अत्याचार, और वो सब करते हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठ साठ नहीं देती, वायदे करती है, वायदों से मुकर जाती है। सुन लीजिए, बोले बोले जी, पर चुनौती बनेगा नहीं बनेगा आपके लिए कंचन जी? चुनौती बनेगा नहीं बनेगा आने वाले समय में? चुनौती बनेगा, ये लोग नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेंगे। जमीनी स्तर पर जो लोग काम करते हैं ना, उनकी अच्छा। ही जनता सुनती है, उनको ही जनता मानती है। अच्छा। और जो जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाते उनका यही हश्र होता है। बाकी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो जो जनता ने प्यार दिया है, जो सम्मान दिया है, जो अधिकार दिया है कि हर एक घर में भारतीय जनता पार्टी के दो से तीन व्यक्ति, अगर चार व्यक्ति हैं तो दो से तीन व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। क्यों? क्योंकि जमीनी स्तर पर चीजों को सोचा है, और जो हमारे यहाँ पर कमियां थी उन चीजों को आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी पूरा कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ कमियां थी, जैसे कि महिलाओं की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्य हुए हैं, जिस प्रकार से सबसे पहली जो हमारी कमी थी, जो कि नहीं होनी चाहिए कि जहाँ पानी ही ना हो आज जीवन नहीं होता, तो बहुत सारी पूर्ववर्ती सरकारें निकल गई, लेकिन बहुत सारी वो छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे पाए। बड़ी समस्याएं थी लेकिन छोटी, जैसे शौचालय हुआ, हर घर नल के हिसाब से हमने 30,000 ग्राम पंचायतों में पानी दिया, चाहे फिर वो महोत्सव के हिसाब से देखा जाए तो सरोवर जो सफाई हुआ और सरोवर निकल कर के आए, जो कब्जा किए लोग बैठे हुए थे, वो जमीन निकल के आई, जो सरकार में आकर के बहुत सारे जो जिन्होंने संपत्ति लूट रखी थी वो निकल कर के आई, और जो भी चीजें सरकार के द्वारा जो की जा रही है, जैसे कि अभी आपने नया सुना होगा, आदरणीय योगी जी ने एक चीज पर संज्ञान लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया है कि अब जो चीजें हैं, ये जो जनसंख्या नियंत्रण है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं कमी कारण बनेगा, और इसमें जो एक दृष्टिता है, एक दृष्टि है, वो भी देखनी चाहिए, और योगी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई है, उनमें कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि जब जनसंख्या ठीक ठाक होगी, कम होगी, तो फिर योजनाएं भी समता से होंगी, और सभी को सरकारी व्यवस्थाएं भी बढ़िया मिल सकेंगी और कानून भी बढ़िया। कंचन जी, ये बताइए, अधिवेशन चल रहा है और ये सावधान यात्रा चल रही है, अधिवेशन के माध्यम से समाजवादी पार्टी अब अपने आप को एकजुट करने का प्रयास कर रही है, चुनौती मिलेगी कि नहीं मिलेगी निकाय चुनाव में, 24 चुनाव में किस रूप में देखती है? यही ना मैंने आपको बताया, मैंने थोड़ा सा घुमा करके बता दिया, क्योंकि मैं सीधा स्पष्ट नहीं करना चाहती थी कि जमीनी स्तर पर जब तक काम नहीं होगा, अच्छा, कोई चुनौती नहीं मिलने वाली आपको, जैसा हो रहा है वैसे मुझे नहीं लगता कि किसी रही। मैं पार्टी से हट करके, पार्टी नाइन से हट करके अलग बात कर रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे दया आ रही है। अच्छा, दया नहीं, दया करने की जरूरत नहीं कंचन जी, दया करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे दल में ऐसा होता है कि वहां बहुत सारे नामांकन पत्र, अभी भूपेंद्र चौधरी जी नॉमिनेटेड किए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, कितने नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, कौन लड़ने आया था, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था उनके खिलाफ कितने नामांकन पत्र आए थे, और अभी जो कार्यकाल उनका एक साल का बढ़ा दिया गया, ये किस प्रस्ताव के तहत बढ़ा दिया गया? दलों की अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि वहाँ भी सिर्फ दो लोगों की सरकार चल रही है, हम दो और हमारे दो। अच्छा। देश की जनता के प्रति कोई भी चिंतन नहीं है, कोई मंथन नहीं है, कोई जिम्मेदारी, कोई जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को और बड़ा बनाने की एकजुटता, पूरी सरकार की पूरी कोशिश, सिर्फ दो लोगों को, जो व्यक्ति किसे 200 से पीछे था वो दो नंबर पर आ जाता है, और जो हजारों लोग जो एक सामान्य जन जीवन से जी रहे थे आज वो रोटी के लिए तड़प रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से आई है, देश उत्तरोत्तर जैसे प्रगति होनी चाहिए, वो उत्तरोत्तर नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। आज डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई की स्थिति रिकॉर्ड तोड़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, आप रोजगार दो नहीं सृजित कर पाए, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे। ठीक है, आप बेइज्जती कर रहे हैं जनता की भी, और जनता की चुनी हुई सरकार की भी बेइज्जती कर रहे हैं, जहाँ सरकार हर एक गरीब का ख्याल रख रही हो, राशन दे रही हो, हर समय दिया जा रहा हो, वहाँ पर आप कहें कि वहाँ की
यही प्रमाण है। राशन आप दे रहे हो इसका मतलब है कि जनता अति गरीब होती जा रही है। आत्मनिर्भर बनाने की बात की, रोजगार देने की बात की, वो हालात नहीं होने चाहिए कि राशन देने की जरूरत पड़े। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो है ना, ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। अधिवेशन करने के बाद भी आप बताइए कि अखिलेश जी के अलावा क्या कोई और अध्यक्ष बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसी चीजों पर समझती है या क्यों इन चीजों पर फोकस नहीं करती है? क्योंकि वो किसी की पार्टी नहीं है, कोई पारिवारिक नारायण सिंह की जैसी पार्टी नहीं है ना। इसलिए यहाँ पर जो भी डिसाइड होगा वो सामूहिक होगा, सामूहिक होगा, पार्टी के हिसाब से होगा। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी भेदभाव नहीं हो सकता कि नहीं भैया जो राजा के पुत्र है वही राजकुमार है और वही यही राजा बनेंगे, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। इसलिए इन चीजों को आप अपनी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी मत मिलाएं। आप अपने आप पर ध्यान दें, भारतीय जनता पार्टी के कामों पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ जनता आपको पसंद करने लगे। वरना अगर कार्यों पर ध्यान देंगे जो कार्य विधि है हमारी, तो आपकी जैसी बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी पारिवारिक पार्टी है और हमारी सामाजिक पार्टी। ठीक है, ठीक है नितिन भाई, अपनी बात पूरी करिए। सत्यजीत भाई भी बताए थे और अभी सिपाल जी का तंज, एक तंज भी आया, बयान भी आया है। भाई क्या देखते हैं भाई आपको, अगर ये तरह बोलते हैं कुछ बोलना नहीं है तो तेरे तंज भी करते हैं। नितिन भाई देखिए, शिवपाल जी पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छा, कोई टिप्पणी नहीं करनी है। प्रवक्ता ने अभी साफ साफ कह दिया। अच्छा, कि उनकी अपनी पार्टी है। अच्छा, वो स्वयं एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके प्रवक्ता ने कहा। तो उन्होंने ठीक ही जवाब दिया है कि भाई सम्मेलन हो रहा है। पर ट्वीट क्या कहेंगे? ट्वीट भी तो आया है, ट्वीट पे क्या कहेंगे? मैंने ट्वीट नहीं देखा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पा रहा हूँ जी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, भाई हो सकता है उनसे किसी ने पूछा हो कि भाई सम्मेलन के बारे में क्या कहेंगे। सीधा सवाल है कि जिसका सम्मेलन है, सम्मेलन के संदर्भ में वही जवाब देंगे। जिले आदरणीय शिवपाल जी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं खटाई दूर करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, एक कहावत और है जी, कंसन जी उसको भी पकड़ के लाएंगी। हाँ। कि ऐसा बोला, मैं सिर्फ ना कह रहा हूँ कि एक गांव की देसी कहावत है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता है। ठीक है। हाँ। वो जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते इस जन्म में तो नहीं समाप्त हो सकते हैं। अच्छा। जो चाचा हैं वो सदैव चाचा थे, हैं और रहेंगे। वाले चाचा, ठीक, एक सीट वाले चाचा ना जी। सीट्स, एक सीट क्या होती है? एक सीट ही है भाई। चाचा, अभी बात रिश्तों की हो रही है। वो एक सीट के विधायक हैं, विधायक कोई दो सीट से होते ही नहीं। अच्छा। एक ही सीट से सभी लोग, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी एक ही सीट से। पवन जी बोले थे, पवन जी बोले थे अभी रालोट की सीट है और सुभाषपा को सीट है और उनको एक सीट। पवन भाई बताए थे, हमेशा जब कभी बंटवारा किया जाता है, अब कोई घर का व्यक्ति खड़ा हो, चार बाहर के लोगों, तो पहले बाहर के लोगों का यही बड़े दिल की बात होती, बड़े सम्मान की बात होती है कि पहले बाहर के लोगों को संतुष्ट किया जाता है, घर के लोगों को मना लिया जाता है। तो वो घर के व्यक्ति है, वो तो नाराज हो गए। वो नहीं माने हैं, वो माने हैं। सती भाई बताए कि माने हैं कि नहीं, चूंकि पार्टी है एक, तो पार्टी की औपचारिकता भी होती है। उनको अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, अपने कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा के रखना है, तो थोड़ा बहुत बोलते रहेंगे। वो कभी गलत नहीं बोलते हैं। जल्दी बोले भाई, बोलता है, बोलिए। मेरा मतलब यही है कि देखो, आप एक सीट दें या एक भी ना दें, आपके चाचा हैं, आप भतीजे, लेकिन जो वादा खिलाफी है ना, वादा खिलाफी, बिल्कुल वादा खिलाफी। तो भाई कोई वादा खिलाफी नहीं है, सरकार होती तो उनका बड़ा सम्मान होता, बड़े पद होते, बहुत सारा कर्म करते हैं। सब सम्मान करिए भाई, बिल्कुल सम्मान है उनका, सम्मान के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। जब होली दिवाली दशहरा मिलेंगे, प्रॉपर सम्मान होगा, जो अभिवादन की प्रक्रिया है त्योहार सम्मान होगा, बिल्कुल सम्मान। जब पार्टी है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, 43 सीट देने का वादा किया, ठीक है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी भी कम से कम उनके बारे में इतना ज्यादा सोच रही है, सोचेगी भाई। आप चलिए, आप दे दीजिएगा कुछ, ठीक है, आप दे दीजिएगा जी। हमारा फर्ज है ना जी, निश्चित रूप से। आप भारतीय जनता पार्टी इतना समाजवादियों के, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब वो समाजवादी पार्टी के साथ होते हैं तो बताते हैं सारे आरोप की जड़ आदरणीय शिवपाल सिंह यादव, सारा गुंडाराज शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में, सारा भ्रष्टाचार शिवपाल जी करते थे। अब जैसे ही वो अलग हो जाते हैं तो बड़ा प्यार उमड़ आता है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र आज तक कोई समझ नहीं पाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए लोग कहते हैं मन में राम बगल में छुरी, मुंह में कुछ और, ठीक है, ठीक है, कुछ और बाकी मेहमान त्योहार पर मिलेंगे और यहाँ पर नाराजगी दूर कर ली जाएगी। और चाचा है, पहले बाहर के लोगों को संतुष्ट किया जाता है, घर के लोग बाद में संतुष्ट किए जाते हैं, इसलिए बाद में संतुष्ट किया गया। मनाने की कवायद चल रही बता रहे हैं, बोल रहे हैं। उसमें देखिए गौरव जी, मनाने न मनाने की कोई बात नहीं है। बार बार कहूंगा कि हमारी पार्टी है,
हम अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का काम करेंगे। अच्छा, तो इसमें मनाने ना मनाने नहीं, वो हाथ आगे बढ़ाए, हाथ मिलाए नहीं मिलाएंगे। देखिए देखिए, हमारा काम क्या है कि मैं जो सरकार में इस समय जो है, जो पार्टी, उस पार्टी के गलत नीतियों का विरोध करना, और कहीं भी किसी भी तरीके से नाइंसाफी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अगर हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये मेरा पहला कर्तव्य। जी, हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं। जी, अभी जैसे हमारे प्रवक्ता साथी सपा के कह रहे थे कि खाद्यान्न वितरण योजना के बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया जी, कि खाद्यान्न वितरण योजना हमारे हिसाब से सही है, गरीब गुरबों को अगर खाद्यान्न वितरण योजना मिल रही है तो उससे क्या दिक्कत है। या हमारे साथी प्रवक्ता सपा के हैं, साफ साफ ये कह दें कि नहीं, दिक्कत मुझे भी नहीं है, बंद कर दिक्कत की बात है। मैं ना भारतीय जनता पार्टी पर बड़ी कि लोगों को इतना आत्मनिर्भर बनाइए, उनको इसकी आवश्यकता ना पड़े, मैं उसके पहले सुन ले, पहले सुन ले, बोले आप उत्तर दे दीजिए, क्लियर करना जरूरी था, आपका आएगा समय, बोले बोले। अच्छा, आप देखिएगा, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मैं कहूंगा, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। अच्छा, कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों में धोखा है। अच्छा, सारी बहुत है, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता, इनको भी ये बता, इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 38% गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। अच्छा, तो क्या उस पर इन्होंने कभी नजर नहीं डाला है? और दूसरी बात, तीन जगह ऐसी है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वहां पर 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और वो पूर्वांचल का हिस्सा है, महाराज जी के इलाके से आता है। तो क्या 70% गरीबी रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं, उस पर आपका ध्यान नहीं है? जी बोलिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरी बात मैं बोलूंगा, उत्तर प्रदेश में जो हमारी 25 करोड़ की आबादी है, देश का हर 16वां आदमी उत्तर प्रदेश का है। जी, और मजे की बात यह है कि हर 16वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश से रोजी रोजगार के लिए प्रदेश से बाहर जाता है। अच्छा, गौरव जी, कोई आदमी ऐसे ही घर छोड़ के नहीं जाता है। जी बिल्कुल, उसको तकलीफें होती है, दुख होता है, आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसको अपने बच्चों को पालने की, दवा की व्यवस्था के लिए, अन्य तमाम चीजों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको जी, उसी के लिए जाता है ना जी। ऐसा तो है नहीं कि वो चला जाता है ऐसे शौक में जी। तो ये भी योगी सरकार को, आदरणीय योगी जी को देखना चाहिए कि क्या हमारे उत्तर प्रदेश से जो प्लान हो रहा है, हर 16वां आदमी जो जा रहा है बाहर, आखिर क्यों जा रहा है? देखिए, एक बात मैं और कहूंगा, आदरणीय योगी जी ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं है जी। लेकिन मशीनरी पर आदरणीय योगी जी को कंट्रोल करना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, और विकास के कार्यों की जहां तक बात आती है, तमाम काम ऐसे पड़े हुए हैं जिस पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, बहुत खुशफहमी में ना रहे कि बहुत खुशफहमी में रहे जी। ठीक है, ठीक है। और हमारी जहां तक बात रही, देखिए हम अपनी बात बता दें, उसके बाद आप अपनी बात हम खत्म कर देंगे। बोले, बोले। हमारे रास्ते हैं, हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं, गरीब, गांव, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा, और जन जन तक हम लोगों तक पहुंचेंगे, और 2024 में हमारी उपलब्धता उपस्थिति दर्ज रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, और 2024 में हम बहुत ताकत के साथ आएंगे। गौरव जी, इस बार तारीख तो नहीं लेंगे गठबंधन के लिए, हर बार तारीख देते ना, तारीख दे रहे हैं, इस बार हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गठबंधन के, देखिए मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का भला कैसे हो। अच्छा, इसके बारे में मुझे सोचना है। तारीख देंगे नहीं देंगे, बताइए, गठबंधन होगा, तारीख देंगे नहीं देंगे, प्रदेश का भला कैसे हो जी, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है गौरव जी। जी ठीक है सतीश भाई, ठीक है, ठीक है। धर्म भाई, आपको बता रहा है नितिन भाई की मस्करी पार्टी है, कोई इनके बयानों को संजीदा नहीं लेता है, गंभीर बयान नहीं देते हैं, सुबह बयान देते हैं, शाम को बदल लेते हैं, कोई इनको, और किसको सावधान करने जा रहे हैं भाई? नितिन भाई बोल रहे हैं आपसे। देखिए जी, मैं गौरव भाई आपके माध्यम से जितेंद्र से जानना चाहता हूँ जी। आज देखिए, फिर बार बार हम तो कह रहे हैं, हमें नहीं ये लोग लाइक करते। अच्छा, तो भैया 2022 में काहे गठबंधन हुआ? तो आप भी तो करने गए थे, आप भी तो लाइक करते थे इनको जी। नहीं नहीं, हम सुन, मेरा पसंद करके चले गए थे क्या? पसंद नहीं थे, जबरदस्ती बुलाए गए थे, जानते नहीं थे। अच्छा, हमारे पार्टी के मुखिया को जानते नहीं थे जी।
तब तो आपको बड़े अच्छे अच्छे कसीदे आ रहे थे कि राजभर जी ये है, राजभर जी वो है। अच्छा, आज राजभर जी आपको इसलिए अच्छे नहीं लगते जी, नौ रत्नों को वही यही राजभर जी है जो बताते थे आदरणीय अखिलेश यादव से अच्छा हिंदुस्तान में कोई युवा नेता नहीं है, इससे ज्यादा अच्छा किसी ने काम नहीं किया, ये राजभर जी तो है। और सुन लीजिए एक बात, यही राजभर है जिन्होंने बाद में बयान दिया था, अरे सुन लो तुम्हारे काम की बात बता रहे हैं, आगे फंसोगे नहीं कभी, सुन लो दयाराम जी, यही शिवपाल जी के साथ में गठबंधन करने गए थे, यही वो ऐसे के साथ गठबंधन करने गए थे, बता रहे थे कि 400 सीटों में अगर 100-100 लड़ते और 0 पे आउट हो जाते तो इससे अच्छा था कि अखिलेश यादव से 10 सीटें लेकर के 6 सीटें जीत गए तो हम प्रॉफिट में है। ये प्रॉफिट देखने वाले लोग है, ये व्यापारी है, राजनीतिक मस्करे लोग, अरे भाई ये व्यापार ढूंढते कैसे हम सदन में आ गए। ठीक है, पालन करते हुए चार जातियों को पुलिस प्रशासन में भरने का काम किया। तो आपको पहले नहीं पता था क्या? पहले आपको पता नहीं था ये बात? तब तो कसीदे पढ़ने आए थे, तो आपको पहले पता नहीं था गठबंधन कर लेते जाके, आप पहले जानकारी नहीं थी आपको जी? जी समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है, यही तो पूछना चाहते हैं कि किसको सावधान करने जा रहे हो जी, किसको सावधान करने जा रहे हो, किसके खिलाफ कर रहे हो, सावधान करने जा रहे हैं, अब क्यों बौखलाएंगे? सावधान यात्रा कर रहे समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अच्छा, क्यों बौखलाइए जी? आप भी करिए, और अगर यही सलाह आदरणीय नेताओं प्रकाश राजभर की आप माने होते जी, तो आज जो है निर्णय अलग होता जी। बार बार हमारे नेता ने अगर कहा है कि एसी से बाहर निकलिए, इसे तो बाहर उस समय निकले नहीं। अच्छा, अपने क्या नाम है चचेरे भाई, तो आप गठबंधन से बाहर निकल गए। चलिए आपको मुबारक हो यात्रा, चलिए तो बता दो यात्रा किसके खिलाफ है, किसको सावधान कर रहे हो, किससे कर रहे हो, एक बार ये तो बता दो कि किसके खिलाफ है, किसके समर्थन में है। अरे सुन लीजिए, आखिरी कमेंट ले लीजिए भाई, मेरा एक प्रश्न का जवाब दे दो, जवाब तो ले लीजिए। पवन भाई अपना आखिरी कमेंट बताइए, क्या मूल्यांकन है इस पूरे डिबेट का, बताइए जी। गौरव जी, जी ये हमारे प्रवक्ता महोदय सभी लोग हैं, सभी राजनीतिक दल के लोग हैं, इस पे एक हमको आज काफ़ी हमको शायरी भी सुनने को मिले हैं, दो दो चार चार लाइन सभी लोगों ने सुनाया भी है जी। तो इस पे हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे जी। रहमन धागा प्रेम का जी। मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए जी। ये जो दो लाइन सुनाया हमने, गांठ पड़ जाए, ये केवल शिवपाल यादव के लिए नहीं है जी। ये शिवपाल यादव भी है, बहन मायावती जी भी हैं जी, राहुल गांधी जी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी भी हैं, समझेगा मेरी बात को आप सब जी। ठीक है, ये सारे जी, और अखिलेश यादव जी ये सभी से गठबंधन कर चुके हैं, तो धागा हर जगह टूट गया है। अच्छा, ठीक है, तो कमी इन सभी में तो नहीं होगी जी, खुद में भी कमी इनको देखना चाहिए अखिलेश यादव जी, जी ये सच्चाई कड़वी होती है, तो खुद में भी कमी देखनी चाहिए कि कहीं हमारे अंदर तो कमी नहीं है जी। भाई एक आदमी की गलती हो सकती है, मान लीजिए बहन मायावती की गलती हो सकती है, राहुल गांधी जी की गलती हो सकती है, ओम प्रकाश राजभर की गलती हो सकती है, शिवपाल यादव की गलती हो सकती है, एक की हो सकती है ना, सभी की तो नहीं होगी ना जी, बिल्कुल। तो ये खुद इनको देखना चाहिए अखिलेश यादव को। ठीक, सेकेंड चीज हम गौरव जी हम आपको बताएं, अभी भाई साहब कह रहे थे, सपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमारा हृदय का रिश्ता है शिवपाल जी से जी, इतना अच्छा रिश्ता है, हम लोग भली बात जानते हैं जी, भली बात जानते हैं जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी, अरे आप हिम्मत जुटाते अखिलेश यादव, आप उस सदन में विधानसभा सदन में आप कह देते चाचा विपक्ष का नेता आप बनिए, तब समझते कि आप हैं जी, कुछ है दम आपके अंदर, आप राजनीति की ABCD नहीं जानते अखिलेश यादव, आप गेम नहीं, मेरी बात समझिएगा, पार्टी अलग है, वो कैसे नेता सदन, अरे मैं बता रहे हैं आपको, सुनिए नहीं नहीं ये गलत जा रहे हैं, अरे सुनिए आप अपनी बात पूरी रखिएगा, हम बताएंगे आपको, आप पूरी बात रखिएगा, यहाँ तक जब उनको प्रत्याशी बनाया गया और चुनाव लड़े हैं, किस पार्टी से लड़े हैं वो चुनाव, किस पार्टी से विधायक हैं वो, आप भूल रहे हैं, आप रुकिए एक मिनट प्रवक्ता महोदय, ये आपस में आप लोग बहसबाजी करिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, आप बिल्कुल कागजी कार्रवाई वाली बात करिए तो हमें अच्छा लगेगा, आपके अखिलेश यादव जी को सीखना होगा, राजनीतिक कोर्स करना होगा कि राजनीति कैसे किया जाता है,
इस तरह से राजनीति नहीं होता है। ठीक, इस तरह से अखिलेश यादव ये 2024 का सपना देख रहे हैं, ये गलत फहमी में है सर। ये जो गठबंधन बना रहे हैं सर, ये टूटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर उधर जा रहे हैं, शिवपाल जी उधर जा रहे हैं, कहां से आप गठबंधन बनाएंगे सर? कहां से आप जीतेंगे, कहां से लड़ेंगे? धरातल पे आप हैं नहीं, कार्यकर्ताओं की आप सुनते नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ये सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, बाहरी लोगों का तो हमें नहीं मालूम है, उत्तर प्रदेश में अगर 3 सीटें कोई दूसरा लेके चला जाए बहुत बड़ी बात होगी, बाकी भारतीय जनता पार्टी आएगी इस उत्तर प्रदेश से सर। ठीक है, ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से अधिवेशन को लेकर यहाँ पर जो सरगर्मी थी राजनीतिक, वो गर्मी यहाँ पर भी नजर आई, और यहाँ पर भी वही बहस और वही तीखा टिप्पणी हुई जो कि फिलहाल भारतीय राजनीति की एक सुंदरता बन गई है, एक रूपरेखा बन चुकी है, एक व्यवस्था बन चुकी है कि यहाँ पर केवल कोई आरोप प्रत्यारोप के दौर होते हैं। जनता के लिए कोई संघर्ष करना नहीं चाहता, जनता के लिए कोई धरातल संघर्ष पे उतरना नहीं चाहता, जनता के मुद्दे को उठाना चाहता है, बस चाहते हैं कि हमारी रोटी सिके, और वो रोटी होती है राजनीतिक, और जिस राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं उसके लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, और अपने लोगों को जोड़ कर रखना भी होगा। जैसा कि पवन जी बताए हैं, जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, मजबूत होंगे नहीं, तब तक आपकी ताकत नहीं बढ़ेगी, जब तक ताकत नहीं बढ़ेगी तब तक बीजेपी को चुनौती देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन फिलहाल नजर आ रहा है। पर यहाँ पर अधिवेशन के माध्यम से समाजवादी पार्टी अपनी संगठन को मजबूत करने की कवायद जुट गई है। आने वाले समय में किस तरह और मजबूत होंगे, किस तरह चुनौती बनेंगे वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है कि जहाँ संघर्ष होता है वहाँ परिणाम आते हो, जहाँ परिणाम होता है वहीं सरकार भी बनती है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मोदी जी अनुमति, नमस्कार।